सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं भाई गोला कबूतर टीवी। तो आज जुम्मे का दिन है और मैं अपने कबूतरों को चिकनाव बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं मैंने बादाम कूट के रखे हुए, 100 कबूतरों के 30 बादाम हैं, मैंने ज़्यादा कूटे हुए क्योंकि मेरे जोड़े वाले वगैरह भी कबूतर हैं। और ये अपना एक पाव मैंने घी लिया हुआ है, इनमें 3 चिकनाव बनाऊँगा क्योंकि कबूतर मेरे पास ज़्यादा है और ये 3 पाव आटा है। तो तरतीब ये है भाई कि आपको 30 बादाम 100 कबूतरों में देने और एक पाव आटा लेना है और घी आपको लेना है 2 चम्मच या 3 चम्मच घी लेना है एक पाव आटे के अंदर। और बाकी ये धकनी मिर्चें मैंने कूट के रखी हुई हैं और ये अपना काली मिर्चें भी मैंने कूट के रखी हुई हैं इस डब्बी में, और हल्दी वगैरह भी मैंने कूट के रखी हुई है, देख सकते हैं भाई आप। तो इंशाल्लाह मैं आज अपने कबूतरों को चिकनाव देने जा रहा हूँ और जिस तरीके से बनता है मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊँगा किस तरतीब से बनता है। भाई जो आटा लिया था उसका हमने 3 पेड़े बना लिए, सही है इसके 3 चिकनाव बनेंगे और मैं इंशाल्लाह जिस तरीके से बनेंगे मैं आपको कंटिन्यू करके बता रहा हूँ आगे वीडियो में। ये इस तरीके से रोटी बन गई है भाई, इस तरीके से तवे पे रखना है और इसको कच्चा पक्का सेकना है आप लोगों ने, मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह जैसा सीखेगा आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए भाई हमने हल्की आँच पर रख दिया है, बिल्कुल हल्की आँच हो रही है, कच्चा पक्का सेकना है इसको, ज़्यादा पापड़ी वगैरह ना बने इसके ऊपर ना, इस तरीके से चिकनाव बनाना है और इसको पलटते रहना है आप लोगों ने। देख सकते हैं दोस्तों रोटी मेरी पक गई है, सही है। और इस तरीके से इसमें हमने देसी घी मिक्स कर देना और अच्छी तरीके से इसको ना मलीदा बना लेना हमने। तो भाई दोस्तों हमने देख सकते हैं ये देसी घी इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस और इस तरीके से हमने ना थोड़े बहुत बादाम डालने हैं, यानी कि 30 आप लोगों को 30 बादाम लेने हैं 100 कबूतरों के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बादाम डालने हैं इसके अंदर और धकनी मिर्चें 5 धकनी मिर्चें 5 काली मिर्चें, अगर पाउडर करी हुई तो आपको हिसाब आता है तो 5 धकनी मिर्चें 5 काली मिर्चें और एक चुटकी आम हल्दी की लेके इसके अंदर ऐड करनी है ताकि हमारा कबूतर पोटा वगैरह ना लगाए कि ये कच्चा। और इस तरीके से देख भी लीजिएगा भाई आपका ना चिकनाव कच्चा ना रहे, कच्चा ना रहे अच्छी तरीके से पक जाए, सही। यानी कि ना उसको जलाना है और ना इसको इतना पकाना है, बिल्कुल कच्चा पक्का चिकनाव बनाना है आपको ना। तो इस तरीके से आपने ये ऐड कर दिया बादाम, फिर आपने एक चुटकी धकनी मिर्च ऐड करनी है और एक चुटकी काली मिर्च ऐड करनी है, मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ किस तरीके से ऐड होगी। तो भाई धकनी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दिए, सही। 5 लेनी है आपको और 5 काली मिर्चें लेनी है और एक चुटकी आपको आम हल्दी लेनी है पिसी हुई, घर वाली आम हल्दी नहीं लेनी, यानी कि जो कबूतरों को गुस्सा लगा दें पानी के अंदर वही आम हल्दी लेनी है पिसी हुई, या पीस लें घर पे लाकर जैसा भी हो, सही है। इंशाल्लाह मिक्स करके इस तरीके से अच्छी तरीके से उसको फेटा लगाना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है, यानी कि इस तरीके से फेटा लगाना है इसको, बिल्कुल चिकनाव की सूरत में आ जाएगा ये भी। तो मैं इंशाल्लाह इसको मजाई करूँगा, पीसूँगा इसको अच्छी तरीके से हाथ से, तो इंशाल्लाह जैसे भी चिकनाव तैयार होता है तो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कंटिन्यू करके। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं चिकनाव तैयार कर लिया मैंने, तो छत पे आ गया हूँ मैं, कबूतर खोल लिए और आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। तो आपके सामने जाल लगा हुआ था, यहाँ से जाल ख़त्म कर दिया हमने, जाल सामने ले गए अपनी छत से हटा दिया हमने, माशाल्लाह से छत भी साफ़ सुथरी हो गई हमारी, देख सकते हैं भाई जाल हट गया क्योंकि सीज़न करीब आ रहा है अभी, तो इसकी वजह से हमने जाल भी हटा दिया। तो इंशाल्लाह थोड़ा टाइम रह गया, कबूतर माशाल्लाह से काफ़ी सारे मेरे पाक हो गए, बिल्कुल सेट भी हो गए ये कबूतरों को, माशाल्लाह देखें भाई खुद तावे ले रहे हैं, माशाल्लाह सेट हो गए कबूतर। अभी मैंने छत से जाल से बाहर निकाला, छत पर खोले अभी मैंने कबूतर, कबूतरों का पानी चल रहा था 3 दिन, मैंने रोक दिया था पानी, फिर कंटिन्यू कर दिया था क्योंकि बीमारी में आ गए थे काफ़ी सारे कबूतर। तो अब माशाल्लाह सेट हो गए, देख सकते हैं भाई सामने कबूतर बाजी चल रही है और ये मेरे कबूतर उड़ रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह इनको ना पहला चिकनाव लग जाएगा मेरे कबूतरों को, 3 पानी के बाद पहला चिकनाव दे रहा हूँ मैं इनको, माशाल्लाह से देखते हैं कबूतर सब ओके हुए हैं, देख सकते हैं ये चिकनाव बना है मेरा, सही है। ये मैंने चिकनाव बना दिया, इसमें सब अपने जोड़े वाले कबूतरों को भी डालूंगा और इन सब कबूतरों को डालना, ज़्यादा अवर नहीं करना, चिकनाव कम ही रखना है क्योंकि एक दिन देना है, फिर उसके बाद दूसरे दिन कंटिन्यू करना है इस तरीके से, लगातार 3 दिन लगाना है ढक दे के, तो ये अवर हो जाएंगे तो फिर पोटा वगैरह भी लगा देते हैं, इसकी वजह से एक दिन छोड़कर एक दिन चिकनाव दिएगा। अच्छा चिकनाव का एक तरीका तरीका मैंने बता दिया आपको, अगर दोबारा किसी के भाई ने समझना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, ठीक है, उस पर अगर व्हाट्सअप भी कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। और ये नए हजरात के लिए जो मतलब नए कबूतरबाजी करते हैं, सही है,
और मेरे पास व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह आते हैं कि रहमान भाई चिकनाओं का तरीका या पानी का तरीका बता दो, तो उनके लिए जिसको आता है उसको तो पता है तरीका सही है, इसलिए इसकी वजह से मैंने तो ये चिकनाओं बनाकर दिखा दिया कि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो जो मुझे मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल प्रॉपर तरीका मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको। तो ये भाई मैंने लिए 25 बादाम सही है, और घी लिया है मैंने कम से कम आधा पाव से कम सही है, और एक 5 ढकनी मिर्चें, 5 काली मिर्चें, और एक दो चुटकी कहने में आम हल्दी की लेनी है। बस सादे चिकनाव लगाने हैं इनको, मतलब कहने में ताकत के लिए इस तरीके से चिकनाव लगाने। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज बना लिया अपने कबूतरों के लिए, माशाल्लाह कबूतर भी सेट है बिल्कुल ओके। तो आज इनको पहले चिकनाव लग जाएगा, देखते क्या सीन है भाई। फिर तो दोस्तों फाइनली भाई चिकनाव वगैरह डाल दिया अपने कबूतरों को, देख सकते हैं माशाल्लाह सारे कबूतर खाकर बाजरा डाला उसके बाद सूखा, और चिकनाव पहले खिला दिया था मैंने कबूतरों को। तो भाई जिसने मुझसे मालूम करना हो ना कुछ, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, नंबर बता रहा हूँ 0342-14-33-175 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और जिसको भी कॉन्टेक्ट करना हो यानी कुछ भी पूछना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले इस नंबर पर, ठीक है। सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह भाई को सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।